बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज किचन में हमारे बनने जा रहा है बीफ आलू की रेसिपी। और जिस तरह के शादियों में ये रेसिपी बनाई जाती है और शादियों में सर्व किया जाता है, उसी तरह ही हम आज घर में बनाएंगे और वही टेस्ट और वही लुक। बहुत मजेदार रेसिपी होने वाली है। आपने सारी रेसिपी में मेरे साथ रहना है, अखीर तक जरूर देखिएगा मेरी वीडियो को। और नए दोस्त मेरे चैनल पे जो नए हैं, नए देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आलू की क्वांटिटी, हम आधा किलो आलू डालेंगे, लेकिन ये किलो है आलू, लेकिन इसमें हम आधा किलो इस्तेमाल करेंगे और आधा किलो ही हम यहाँ पर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मैंने इस तरह मीडियम बोटियों में कटवा लिया है। और चलिए बाकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जितने स्पाइसेस हैं वो बाकी रेसिपी में डिस्कस करते रहेंगे। आज हम बिना प्रेशर कुकर के आपको देगी आलू गोश्त बीफ आलू बनाना सिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, पतीले के अंदर गोश्त डाल दिया है। अब इसके अंदर हम एक बड़ा कटा हुआ प्याज, ये थोड़े से हम खड़े मसाले इसके अंदर डालेंगे, चार लौंग हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक तेजपात और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्चे, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये 2 टेबलस्पून है लहसुन और अदरक का पेस्ट। पेस्ट मैंने नहीं बनाया, दरदरा इसे सिर्फ कूट लिया है, क्योंकि हम बिना प्रेशर कुकर के पका रहे हैं तो इसलिए, ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर मिक्स हो सके। ये डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके अंदर यही डालेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसका एक बॉयल आने के बाद हम धीमी आंच करके लो टू मीडियम हम इसे गलने के लिए गोश्त को रख देते हैं। आधा घंटे तक हम इसे देखते हैं, गोश्त गल जाएगा आधे घंटे के अंदर, फिर आधे घंटे के अंदर बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 35 मिनट तकरीबन इसे रखा हमने लो फ्लेम पर और गोश्त हमारा गल चुका है और ये देखें इसके अंदर से पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज टमाटर डाल देंगे कटे हुए। अब सबसे पहले हम इसके अंदर घी शामिल करते हैं, फिर स्पाइसेस डालते हैं। पहले हम इसके अंदर घी डालेंगे। अब ये मीडियम साइज खाना पकाने का चम्मच है और एक इससे बड़ा चम्मच होता है, वो 2 बनेंगे और ये मैंने 4 यहाँ पर घी डाली है। घी में ये बहुत देगी जो गोश्त होता है, ये बहुत लजीज बनता है घी के अंदर, तो मैं भी इसमें घी का आज इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस जो रह गए थे वो बाकी अब ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच इसके अंदर हम जीरा डालेंगे दरदरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम तकरीबन इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। इन सारी चीजों को डाल के हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे गोश्त की, अच्छे तरीके से 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करते हैं। ये 2 चम्मच हम इसके अंदर दही के शामिल कर देंगे इसके टेस्ट को मजीद अच्छा बनाने के लिए, और 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। 5 मिनट तक इसकी गोश्त की अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं। आलू ऐड करने के बाद हमने 5 मिनट तक फिर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं। 4 से 5 मिनट हमने आलूओं की और गोश्त की अच्छे तरीके से दोबारा भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। आपने यहाँ पर जितना शोरबा इसका रखना है उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें, उस हिसाब से कि जितने थोड़े से पानी में आलू पकेंगे और गोश्त हमारा ऑलरेडी डन है, उस हिसाब से आप पानी डाल लें। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। एक दफा चम्मच चला दें इसके अंदर, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। 10 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर आलूओं को पकने के लिए छोड़ दिया था। माशाल्लाह देखें इतनी शानदार खुशबू आ रही है और बहुत ही मजे के देगी बीफ आलू तैयार है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारा देगी बीफ आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। बहुत जायकेदार और इतनी अच्छी खुशबू है कि सारे किचन में इसकी खुशबू महक रही है। जब आप अपने मेहमानों को सर्व करने या अपनी फैमिली को सर्व करने लगे तो इसके ऊपर हल्का हल्का धनिया भी आप गार्निश कर दीजिए, इससे और भी इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और
महक में खुशबू में इजाफा हो जाएगा। आप इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू और बहुत शानदार जायका। आई होप कि आपको फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मेरी वीडियो को मत भूला करें। और जो नए दोस्त मेरे चैनल पर हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।